नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है अलका विश्वकर्मा और मैं आप सभी के लिए आज पानी पूरी बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो खाने में टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। और मैं आप सभी के लिए चार पानी और मीठी चटनी बनाकर दिखाऊंगी, रगड़ा दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पानी पूरी बनाने के लिए ये मटर है, हमने 3 घंटे भिगो कर रखे थे। अभी हम इसे उबालेंगे और मसालों में, हरा मसाले में दालचीनी, इलायची बड़ी वाली, लवंग, आधा नींबू, हरा मिर्च, जीरा, ये इमली है हमने इसे भिगो कर रख दिया था, सादा नमक, ये काला नमक का पाउडर है, प्याज को हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, ये लहसुन का पानी बनाने के लिए हमने लहसुन छिलके लिया है, हरा धनिया, पुदीना। अब हम शुरू करेंगे पानी पूरी बनाना। मटर को इसमें डाल देंगे। इसमें 1 लोटा पानी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, इसे हमने हल्दी, नमक, पानी इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हम बंद करके 1 सीटी लगाएंगे। गैस फास्ट कर देंगे। अभी हम लवंग भूजेंगे, ये इलायची है इसे भून लेंगे, 6-7 लवंग है, ये दालचीनी है, इसे हम भून कर हरे वाले पानी में डालेंगे। अभी हमारे मसाले भून गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम जीरा भूनेंगे। हम इसे उतार लेंगे और इसका हम पाउडर बनाएंगे। और दालचीनी है, इसका हम पाउडर बना के निकाल लेंगे अलग से। हो गया है, अभी हम पीस लेंगे। ये भुना हुआ जीरा है, इसका भी हमने पाउडर बना लिया, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। हम इसका भी पानी बनाने वाले हैं, अब इसे भी हम पीस लेंगे। अगर नहीं पीसा हम हल्का सा पानी डाल के पीसेंगे। ये पीस गया है, हम इसे भी निकाल लेंगे। ये पुदीने का पत्ता है, ये हरा धनिया है, ये हरी मिर्च है। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे हरा पानी बनाने के लिए। ये हमारी पानी पूरी की हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये इमली का पानी है, इसके अंदर हम गुड़ शक्कर डाल के हम इमली की चटनी रेडी करेंगे पानी पूरी के साथ खाने के लिए। इतना शक्कर डाल देंगे, इसे हम गैस ऊपर चढ़ा देंगे पकने के लिए। हमने गैस चालू कर लिया है, अब हमारी इमली की चटनी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। अब इसे पकने के लिए पहले हम हरे पानी बनाएंगे। ये हरी चटनी है, ये पाउडर हमने बना के लिया वो है, जीरा,
अंदर पानी डालेंगे तो सब निकल जाएगा। हम पानी अपने अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। इसमें नींबू डाल देंगे। थोड़ा सा इमली का पानी डालेंगे। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। काला नमक है ये डाल देंगे। थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे। अब अच्छे से मिला देंगे। हमारी हरी चटनी रेडी हो गई है। चटनी बनाएंगे लहसुन का पानी बनाएंगे। ये लहसुन को हमने पीसा था, अब इसे हम भी छान लेंगे और पानी जितना चाहिए हम डाल देंगे इसके अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे पीस कर इसके बाद हम सादा नमक मिलाकर 2 घंटे के लिए रख देंगे। आपको जितना नमक चाहिए डाल के इसे मिला देंगे। अब भी बोलो कि 2 घंटे के लिए क्यों रखने का। ये हमारा लहसुन का पानी रेडी हो गया है और इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। अब हम लाल पानी बनाएंगे। ये मिली के पानी ये काला नमक लाल मिर्च का पाउडर ये भी हमारा पानी रेडी है। हमारे मटर रेडी हो गए हैं। हमारे रेडी हो गए हैं। सीटी उठा देंगे क्योंकि हो गया है। हमारा मटर रेडी हो गए हैं। ये हम रगड़ा बना के दिखाएंगे। रगड़ा बनाएंगे। ये उबला हुआ आलू है। थोड़ा सा हम इसमें मटर डालेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। ये पानी पूरी का पानी है, अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमारा रगड़ा तैयार हो गया है, अच्छे से मिला लेंगे। हमने अपने पूरी में रगड़ा भर लिए हैं। अब मैं पानी डाल के बताती हूँ। इसमें लहसुन वाला पानी, इसमें हरी वाली पानी, ये लाल चटनी वाली पानी और ये लाल पानी।
हमारे पानी पूरी रेडी है।